अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम, NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। कहा जाता है और सुना भी जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या फिर स्थायी दोस्त नहीं होता। सत्ता के लिए किसी को भी किसी भी वक्त अपना हथियार बनाया जा सकता है या फिर भूल सुधार भी की जा सकती है। घर वापसी तो खैर पुराना जुमला ही है। राज्यसभा चुनाव में यूपी की राजनीति में जिस तरह करवट बदली, वह साफ संकेत है कि आने वाले दिन में कम से कम वह समीकरण तो नहीं बनने जा रहे जो अभी तक या तो नजर आ रहे हैं या नजर आ रहे थे। भाजपा पर सीधा हमला करने से गुरेज रखने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब साफ बोल दिया है कि यदि सपा को हराने के लिए भाजपा को भी वोट करना पड़े तो वह भी किया जाएगा। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, इससे पहले भी मायावती ने भले ही शाख बचाने के लिए ही किया हो, लेकिन किया जरूर है अथवा वह ऐसा बोल भी चुकी हैं। यहां बात कर रहे हैं मेरठ महानगर के महापौर मेयर चुनाव की। तब भाजपा की मधु गुर्जर रिकॉर्ड मतों से जीती थी, जबकि बसपा प्रत्याशी की जमानत में जब्त हो गई थी। जिस याकूब कुरैशी को कट्टरपंथी बताते हुए मायावती ने विवादित बयान दिया था, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई थी। मायावती का उस वक्त दिया गया विवादित बयान आज तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। चुनाव की सुबगाहट होते ही वह वीडियो वायरल होना शुरू हो जाता है। आपको याद है 1995 का गेस्ट हाउस कांड? 1993 में सपा और बसपा ने यूपी में सरकार बनाई थी। 1995 में एक गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। खबर थी कि वह सपा का दामन झटकने की तैयारी में है। वहां हमला हुआ, मायावती को अपनी जान बचानी पड़ी। हमले का आरोप सपा पर आया। बताया जाता है कि जान बचाने वालों में भाजपा नेता लालजी टंडन भी शामिल थे और तब से ही वह लालजी टंडन को भाई मान रही थी। बाद में राजनीतिक डिमांड को देखते हुए मायावती ने लालजी टंडन को राखी बांधी, लेकिन एक साल बाद ही राजनीतिक हालात बदल गए। लालजी टंडन रक्षाबंधन पर इंतजार करते रहे, लेकिन मायावती नहीं आई। हालांकि इससे पहले मायावती ने सपा का साथ छोड़ भाजपा से हाथ मिला लिया था और 2002 तक गठबंधन की सरकार चलाई। गठबंधन इसी शर्त पर हुआ था कि दोनों दल आधे आधे समय तक मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहेंगे, लेकिन जब भाजपा का टर्न आया तो सुर बदल चुके थे। कुछ ऐसे ही सुर जैसे इन दिनों सपा को लेकर मायावती के हैं। बसपा सुप्रीमो ने अब साफ कहा है कि सपा के खिलाफ मुकदमा वापस लेना उनकी सबसे बड़ी भूल है। सपा से गठबंधन का फैसला भी बेहद जल्दबाजी में लिया गया था, लेकिन सपा ने कभी गठबंधन धर्म नहीं निभाया। यह बात दीगर है कि दोनों दलों द्वारा साथ लड़े गए चुनाव में बसपा की सीटों में जरूर इजाफा हुआ, लेकिन सपा को नहीं। अब यूपी में 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के दौरान जो परिदृश्य सामने आ रहा है या जो हालात बनते जा रहे हैं, वहां बसपा स्वयं को चारों तरफ से घिरा पा रही है। उसके सामने पार्टी व जनाधार बचाने की एक बड़ी चुनौती है, वह भी तब जबकि यूपी में कांग्रेस व भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद की सीधी नजर बसपा के दलित वोट बैंक पर लगी हुई है। बसपा के पुराने व दिग्गज नेता भी पार्टी से किनारा कर रहे हैं। बसपा के विधायक बगावत कर सपा से नजदीकी बढ़ा चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से करीब 24 से ज्यादा बसपा नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहकर सपा का दमन थाम लिया। इसमें बसपा को खड़ा करने वाले कद्दावर नेता भी शामिल हैं। पश्चिमी यूपी में पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय बसपा के ब्राह्मण चेहरा माने जाते रहे हैं, वह भी अब भाजपा का दमन थाम चुके हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती अपने जिन तेवर के लिए जानी जाती हैं, पिछले काफी समय से वह एक सिरे से गायब है। ताजा मामला हाथरस कांड का है। बसपा सुप्रीमो ने स्वयं को ट्वीट तक ही सीमित रखा और वह भी बेहद संयमित अंदाज में। इसका एक बड़ा कारण सीबीआई और ईडी के तलवार भी बताया जा रहा है। असल में नोएडा विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर यादव सिंह भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते सीबीआई व ईडी के शिकंजे में है। यादव सिंह की मायावती व उनके भाई आनंद से नजदीकियां जग जाहिर है। समझा जा रहा है कि मायावती की जरा सी भी तलखी सीबीआई व ईडी को न्योता देने के बराबर हो सकती है। आइए अब बात करते हैं यूपी की उस दलित वोटों की जिस पर सभी की नजर लगी हुई है।
दरअसल यूपी में दलित मतदाता करीब 22% बताए जाते हैं। 80 के दशक तक कांग्रेस के साथ दलित मतदाता मजबूती के साथ खड़ा था, लेकिन बसपा के आते ही ये वोट उससे छिटकता चला गया। वर्तमान में इस वोट बैंक पर बसपा का कब्जा माना जाता है। यूपी में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के पास आने के बाद से वह अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर से पार्टी से जोड़ने की रणनीति में लगी हुई है। मायावती के लिए एक बड़ी सरदर्दी भीम आर्मी भी बनकर उभरी है। यूपी का 22% दलित समाज दो हिस्सों में बटा है, एक जाटों जिनकी आबादी करीब 14% है और जो मायावती की बिरादरी है। चंद्रशेखर आजाद भी जाटों हैं और मायावती की तरह ही पश्चिमी यूपी से आते हैं। जाटो वोट बसपा का हार्डकोर वोटर माना जाता है, जिसे चंद्रशेखर साधने में जुटे हैं। चंद्रशेखर के साथ दलितों का युवा तबका साथ है, जो मायावती के चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि अभी तक ये लोग बसपा के साथ थे। चंद्रशेखर के साथ युवा मुस्लिम आने के संकेत से सपा में भी खलबली है। वहीं भाजपा इस नए समीकरण में कटुआ वोट पाते हुए खुश नजर आ रही है। हालांकि भाजपा के राजनीतिक गलियारे में यह बात अब सुनाई देने लगी है कि भाजपा व बसपा के बीच खिचड़ी पक रही है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि ताजे हालात में यदि बसपा उनके साथ आ जाती है तो यूपी के चुनाव को आसानी से जीता जा सकता है, और यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो एक बार की सोचने हालात जरूर बनेंगे। कि मुस्लिम समाज के लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं जो कट्टरपंथी होता है, पर कट्टरपंथी जो मुसलमान है इसकी ओर चुनाव ना जीत जाए तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। तो मेरठ के अंदर फिर जो सुल कास्ट के लोगों ने, मुसलमानों ने तो नहीं किया, वो तो कट्टरपंथी को गया, लेकिन मेरे कहने पर सुल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो अपर कास्ट का वोट जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था तो वो बीजेपी को हमने ट्रांसफर करा दिया। तो कहीं वो कट्टरपंथी जो है वो चुनाव ना जीत जाए। उधर बसपा सुप्रीमो के हालिया बयान के वह सपा को हराने के लिए भाजपा से भी मिलने को तैयार है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए शुभ संकेत और आने वाले कल के राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा करने के लिए काफी है। यूपी के ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए फर्स्ट पॉइंट ओटीवी। नमस्कार।